हमले में इजराइल में मारे गए इंडियन श्रमिक मैक्सवेल की डेड बॉडी पहुंची इंडिया। रांची, लेबनन से दागी गई टैंक रोधी मिसाइल के हमले में मारे गए भारतीय श्रमिक पी मैक्सवेल की डेड बॉडी भारत पहुंच गई है। लेबनन से दागी गई टैंक रोधी मिसाइल के हमले में मारे गए भारतीय श्रमिक पी मैक्सवेल की डेड बॉडी भारत पहुंच गई है। मैक्सवेल 30 केरल के कोलम के रहने वाले थे। इजराइल के गृह मंत्री मोशे अरबेल, जनसंख्या एवं आव्रजन प्राधिकरण PIBA के महानिदेशक, इजरायली विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारतीय दूतावास के वरिष्ठ राजनयिक मैक्सवेल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले में मैक्सवेल की मौत हो गई। भारत के लिए इजरायली राजदूत नावा गिलोन ने लिखा, गृहमंत्री अरबेल और उनकी टीम के वरिष्ठ सदस्यों के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय नागरिक मैक्सवेल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गया। मैक्सवेल एक खेत में काम कर रहे थे तभी हिजबुल्ला के रॉकेट हमले में उनकी मौत हो गई। ओम शांति। एयर इंडिया के विमान से शव दिल्ली ले जाया गया और वहां से शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे तिरुवनंतपुरम भेजा जाएगा। रिलेटेड आर्टिकल्स। इंडिया चाइना वॉर। पूर्वी लद्दाख में बढ़ रही भारत की ताकत। चीन और इंडिया के बीच युद्ध की आशंका। 14 आवर्स अगो राहुल गांधी 7। मुंबई में 17 मार्च को होगी इंडिया गठबंधन की महारैली, लोस चुनाव अभियान को 14 आवर्स अगो। इस हमले में 7 अन्य कर्मचारी घायल हो गए जिसमें केरल के मूल निवासी 2 भारतीय भी शामिल हैं। हमले में वाजाटोप के निवासी 31 वर्षीय बुश जोसफ जॉर्ज और वागामोन के रहने वाले 28 वर्षीय पॉल मेलविन घायल हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। व्हाट्सएप शेयरिंग बटन, टेलीग्राम शेयरिंग बटन। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।